नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। आज OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए दो एक ऐसे मैं नगीनों को ढूंढ के लेकर आया जिन्होंने बाइक के अंदर, बाइक तो सभी चलाते हैं लेकिन कभी आपने सुना है किसी को ऐसे उल्टे बैठते हुए बाइक चलाते हुए? तो ऐसे ही एक हमारे बीच में शख्सियत है जिन्होंने उल्टा, यानी उनका चेहरा सीट की तरफ था और हाथ जो था हैंडल की तरफ था, और ऐसे उन्होंने 2000 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा की स्कूटर बाइक चलाते हुए। और दूसरे एक सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने IELTS पर किताब लिखी है। IELTS जो इंग्लिश, अगर किसी को फॉरेन जाना होता है तो उनको IELTS की एग्ज़ाम देनी होती है, TOEFL होता है, GRE होता है, इस तरह का एग्ज़ाम दे के जिनको आगे जाना होता है। लेकिन ये तो उनका एक साइड हो गया, लेकिन उसी पर्सन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर 2700 किलोमीटर की यात्रा मात्र 3 दिन में उन्होंने किया हुआ। हमारे बीच में रक्षक राय सर, कैसे हो आप? हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन बोला जाता है जब दिल से बात होती है ना तो लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बनती है, बाधा नहीं बनती है। हम सुनेंगे सर को, रक्षक सर। हमारे बीच में चित्रा कुमार सर हैं और रक्षक सर हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर आपका स्वागत है। आज आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, आज आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मिला है, मेडल मिला है, मोमेंटो मिला है, किताब में आपका नाम दर्ज हुआ है, तो कैसा लग रहा है? ये बोलने में इतना ये नहीं बोल पा रहे लेकिन मैं उनकी भावना को समझ रहा हूँ। कहते हैं रिकॉर्ड बनाने के जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनके रगों में खून नहीं दौड़ता है साहब, जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता है, उनकी रगों में जुनून दौड़ता है। और ये जुनून जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो भी रिकॉर्ड बनाने लगता है। तो रक्षक सर, तो आपने रिकॉर्ड बनाई है, आइडिया कहाँ से आया आपको? 2700 किलोमीटर मात्र 3 दिन में, यानी यहाँ से गोरखपुर, मुझे लगता है 2000 किलोमीटर तो गोरखपुर हो जाता है मुंबई से, और आप बाइक से इतना सारा, और मेरे को लगता है वो रास्ते भी सही नहीं है वहाँ के, यानी यहाँ तो प्लेन रास्ता है लेकिन वहाँ के जो रास्ते हैं नेपाल के, मुझे लगता है बहुत ऐसे पहाड़ी एरिया है, हिमालय जैसा एरिया है। पूरी ऑपरेशन देशभक्ति का एक बहुत बढ़िया, आपके सामने नेपाल से हमारे भाई आए हुए हैं और देशभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताइए चित्रा साहब, आपने भी तो ऐसे एक रिकॉर्ड बनाया, आपके रिकॉर्ड के बारे में बताइए। थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। वर्ल्ड पीस वॉट पेटी टूरिज्म अभियान चलाया है। अच्छा, मैं जब 17 साल का था उस टाइम मैंने किया था, नेपाल के वो सभी डिस्ट्रिक्ट में भी चला गया था, जहाँ पे वो बाइक पहुँचता था उल्टी बाइक चला के ही चला गया था। अभी तो उल्टी बाइक चलाते समय एक्सीडेंट होना, पहुँच आना, क्योंकि उल्टा बाइक चलाना ये नहीं तो पूरा प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। हमारे ट्रैफिक पुलिस अगर आपको देख लेंगे तो पकड़ लेते हैं यहाँ पर। वहाँ पे नेपाल को गवर्नमेंट ने वो मेरे को लेटर दिया था और सिक्योरिटी दिया था। अच्छा, तो देखिए वहाँ की सरकार ने इन्हें अथॉरिटी दी थी, इनको सेफ्टी का काम, इन्होंने सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड बनाया था। मित्रों मैं यही बताना चाहता हूँ, जब भी आप रिकॉर्ड बनाने जाते हैं ना तो सेफ्टी का पहले ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जान पे खेल के रिकॉर्ड बनाते हैं। आज तक हमने 750 लोगों को रिकॉर्ड दिया और हम हमेशा यही कहते हैं कि पहला सेफ्टी आपके बारे में और सेफ्टी समाज के बारे में जहाँ पर आप वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो ये थे हमारे बीच में चित्रा जी और रक्षक जी थे, और मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस वीडियो से कुछ तो नया सीखा होगा, अगर कुछ नया नहीं भी सीखा होगा तो एक जज्बा आपके अंदर जागा होगा, कुछ तो करके जाना है। जिंदगी नाकामियों के नाम ना हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए, तुझे संभाल कर रखा था जिंदगी, तुम मुफ्त में कहीं बदनाम ना हो जाए। चलिए, धन्यवाद।